हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश इलेक्शन कमीशन में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती की सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोज़ की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो इसमें बता दूँ, सबसे पहले आपको ये वैकेंसी निकली है हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग में, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है हिमाचल प्रदेश का, उसमें ये भर्ती निकली है जो कि है क्लर्क क्लास थ्री पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। वैकेंसी है एक, जो वैकेंसी है ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और इसमें सिर्फ ब्लाइंड और लो विजन के कैंडिडेट जो होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इनके लिए ये वैकेंसी निकली है क्लर्क की। अब आइए देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा बाकी आपका। तो इसमें पहली बात तो कि जो आवेदक होगा उसके पास कम से कम 40% निम्न दृष्टि की स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए, और आप जो है हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी ही होने चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको इसकी अधिक जानकारी मिलेगी ceohimachal.nic.in की वेबसाइट पे। अगर एज की बात करें तो आपकी एज 18 साल से लेके 45 साल के बीच में होनी चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप 10+2 पास होने चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ आपका 10+2 ही रिक्वायर्ड रहेगा। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी होगी इसमें 10,185 रुपये प्रति महीना। और इसके लिए अगर बात करें आपको आवेदन कैसे करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, जो सर्टिफिकेट्स आपके होंगे, उन सभी को आपको भेजना होगा इस एड्रेस पे जो है हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, ब्लॉक नंबर 38, SDA कम्प्लेक्स कुसुमटी, शिमला 171009। और लास्ट डेट रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की 20 अप्रैल 2020, और इसके लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब अगर इसके लिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका 30 मार्क्स का। कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम इसके लिए आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब ये 30 मार्क्स जो होंगे कैसे लगेंगे आपके, तो जो आपकी 10+2 में परसेंटेज होगी उसमें से आपके 10 मार्क्स में से मार्क्स लगाए जाएंगे। जो आपकी परसेंटेज होगी उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा, जितनी भी आपकी मार्किंग आएगी उसके नंबर लगेंगे आपके 10 में से। अगले नंबर होंगे आपके जो डिसेबिलिटी परसेंटेज होगी उसके बेस पे आउट ऑफ 6 मार्क्स। नेक्स्ट आपका होगा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपकी कोई भी है तो उसमें आपके 4 में से नंबर लगेंगे। अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो 1 नंबर, लैंडलेस फैमिली 1 नंबर, नॉन एम्प्लॉयमेंट 1 नंबर, BVL फैमिली 2 नंबर, विडो डेस्टिट्यूट सिंगल वुमेन 1 नंबर, सिंगल डॉटर और ऑर्फेन 1 नंबर, ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट अगर आपने 6 मंथ की है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग तो 1 नंबर, और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो उसके आपके 2 नंबर। ये टोटल आपके 30 मार्क्स में से आपको नंबर दिए जाएंगे, और उस हिसाब से आपका अगर मेरिट में नाम आता है तो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपको अपनी हैंडराइटिंग में भर के अपना फ़ोटो लगा के जो है पूरा फिलअप करना होगा एंड तक, और इसके साथ आपको जो है अपने जो मार्किंग सिस्टम होगा इस तरह का ये भी अपने आप भर के जो है जो भी आपके नंबर बनते हैं इसको भर के पूरा अच्छी तरह से फिल करके एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा, और साथ में आपके जो जो सर्टिफिकेट होंगे उनको यहाँ पे जो है भरना है, और उनको जो है साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो होगी उनकी उनको भी अटैच करना होगा, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना है जो मैंने एड्रेस आपको बताया है उस एड्रेस पे। तो ये था गाइस आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।